बेसिलिस्क जादू दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिएचर्स में से एक है। इस क्रिएचर को हमने सिर्फ चेंबर ऑफ सीक्रेट्स मूवी में देखा है, पर इस सांप से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम अनजान हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बेसिलिस्क के ओरिजिन के बारे में जानेंगे और इस खतरनाक जीव के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो जेके रॉलिंग ने शेयर किया है। तो बेसिलिस्क एक जायंट सर्पेंट होते हैं जिन्हें किंग ऑफ सर्पेंट्स भी कहा जाता है। ये बिल्कुल एक सांप की तरह दिखाई देते हैं और लगभग 50 फीट लंबे होते हैं। ये डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और इनकी पीली आंखें होती है जिन्हें देखने से ही इंसान मर जाता है। इन्हें डार्क विजर्ड द्वारा ब्रीड किया जाता है और पहली बार बेसिलिस्क को डार्क विजर्ड हर्पो द फाउल ने ब्रीड किया था। वही हर्पो जिसने पहली बार होक्रक्स बनाया था। उसने बेसिकली एक चिकन के अंडे को एक मेंढक के नीचे सेका, जिसके बाद उस अंडे में से बेसिलिस्क बाहर आया। हर्पो बेसिलिस्क को काबू कर सकता था क्योंकि वो एक पार्सल माउथ यानी कि सर्वभाषीय था, जो कि सांपों की भाषा बोल सकता था। ये बेसिलिस्क इतने खतरनाक थे कि पुराने टाइम से ही इन बेसिलिस्क की ब्रीडिंग पर बैन लगा दिया गया था, और जो भी लोग मुर्गियां पालते थे समय समय पर ब्रिटिश मंत्रालय से लोग इनके यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आया करते थे। हालांकि इस बैन से बचना काफी आसान था। लोग सिंपली मेंढक के नीचे से अंडे हटा दिया करते थे जब भी मंत्रालय से कोई इंस्पेक्शन के लिए आता। लेकिन लोग इन बेसिलिस्क की ब्रीडिंग इसलिए भी नहीं करते थे क्योंकि इन क्रिएचर्स को सिर्फ पार्सल माउथ ही कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए बेसिलिस्क काफी रेयर थे। क्योंकि सर्प भाषा एक ऐसी एबिलिटी है जिसे सीखा नहीं जा सकता। ये एबिलिटी एक जादूगर के पास जन्म से ही होती है और मोस्टली सैलजा स्लिथरीन के वंशज ही सर्प भाषा बोल सकते हैं। बेसिलिस्क लगभग 900 सालों तक जीते हैं, पर हॉगवर्ट्स में जिस बेसिलिस्क को हमने देखा था उसकी उम्र हजार सालों से भी ज्यादा थी। उस बेसिलिस्क को 10th सेंचुरी में उस रहस्यमय तहखाने में डाला गया था। उस तहखाने को सैलजा स्लिथरीन ने बनाया था, जो हॉगवर्ट्स के फाउंडर्स में से एक थे। स्लिथरीन नहीं चाहता था कि मगल बॉर्न स्टूडेंट्स को हॉगवर्ट्स में एक्सेप्ट किया जाए, इसलिए उसने हॉगवर्ट्स में एक रहस्यमय तहखाना बनवाया और उसमें एक बेसिलिस्क को छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि एक दिन उसका असली वारिस उस मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके स्कूल को मगल बॉर्न स्टूडेंट्स से मुक्त करेगा। और वो हजारों सालों तक उस चेंबर में इसलिए जी पाया क्योंकि इन क्रिएचर्स को सर्प भाषा का इस्तेमाल करके इन्हें गहरी नींद में सुला दिया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें बूढ़ा होने से रोका जा सकता है। स्नेक्स की तरह ये भी अपनी केचुली बदलते हैं, और ये बेसिलिस्क वर्टिब्रेट एनिमल्स को खाते हैं जैसे कि ह्यूमंस, बर्ड्स और रैट्स। बेसिलिस्क की स्किन एक ड्रैगन की स्किन की तरह होती है, जिसकी वजह से इन पर जादुई मंत्रों का कोई असर नहीं होता, इसलिए इन बेसिलिस्क को जादुई मंत्रों से काबू नहीं किया जा सकता। मकड़ियां इनसे डरती हैं क्योंकि मकड़ियां अपने चारों ओर 360 डिग्रीज तक देख सकती हैं और वो अपनी आंखें भी बंद नहीं कर सकते, इसलिए तो वो बेसिलिस्क से इतना डरते हैं क्योंकि वो उसकी नजर से बच नहीं पाते हैं। मकड़ियां इन बेसिलिस्क से इतना डरते हैं कि वो इस जानवर का नाम तक नहीं लेते। हैग्रिड ने एरेगॉग से कई बार उस रहस्यमय तहखाने के जानवर के बारे में पूछा था, पर एरेगॉग ने ना तो उसका नाम लिया ना ही उस जानवर के बारे में कुछ बताया। पर जैसे कि हर क्रिएचर की एक कमजोरी होती है, वैसे इन बेसिलिस्क की भी एक कमजोरी है, और वो है मुर्गे की बांग। ये बेसिलिस्क मुर्गी की बांग से डरते हैं, इसलिए तो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स मूवी में जब डायरी ने जिनी को पजेस किया, तब वो डायरी का टॉम रिडल जिनी की मदद से स्कूल में मौजूद सारे मुर्गों को मार रहा था ताकि बेसिलिस्क सेफ रह पाए, क्योंकि उसे मुर्गों की बांग से डर लगता था। अगर कोई बेसिलिस्क की आंखों में देख ले तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी, और अगर कोई उसे इनडायरेक्टली देखता है तो वो इंसान बेजान हो जाता है। पहली बार जब टॉम रिडल ने उस रहस्यमय तहखाने को खोला और उस बेसिलिस्क को आजाद किया, तब उस बेसिलिस्क ने मार्टल वॉरेन की जान ली। इस अटैक के बाद टॉम रिडल को पता चला कि स्कूल बंद होने वाला है क्योंकि हमलावर पकड़ा नहीं गया है। तब टॉम ने सारे इल्जाम हैग्रिड और उसके पेट एरेगॉग पर डाल दिया ताकि वो हॉगवर्ट्स में रह सके। डंबलडोर जानते थे कि हैग्रिड निर्दोष है, पर क्योंकि हैग्रिड को स्कूल से निकालने के बाद हमले रुक गए थे, इसलिए डंबलडोर उसे निर्दोष साबित नहीं कर पाए। 50 साल बाद टॉम रिडल की डायरी ने जिनी को पजेस किया और उसे ये रहस्यमय तहखाना खुलवाया। तब वो बेसिलिस्क दोबारा आजाद हुआ और उसने कई लोगों को बेजान किया, जैसा कि हमने मूवीज में देखा कि अगर कोई उस बेसिलिस्क को पानी की रिफ्लेक्शन में, कैमरे में, मिरर में या फिर किसी आत्मा की ट्रांसपेरेंट बॉडी के थ्रू देखता है तो वो इंसान तुरंत ही बेजान हो जाता है। घोस्ट इन बेसिलिस्क की आंखों में देख सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुके होते हैं, इसलिए वो दोबारा मर नहीं सकते। पर इन बेसिलिस्क को चश्मे के थ्रू देखने पर भी इंसान नहीं बच सकता। जब मार्टल वॉरेन ने उस बेसिलिस्क की आंखों में देखा था तब उसने चश्मा पहना हुआ था, पर इसके बावजूद वो मारी गई। इन बेसिलिस्क की आंखों को जो कोई भी इनडायरेक्टली देखता है वो बेजान हो जाते हैं और उन्हें कोई भी मंत्र ठीक नहीं कर सकता। उन्हें सिर्फ मैंड्रेक के पोशन से ही ठीक किया जा सकता है।
अब क्योंकि इनकी आंखें इतनी खतरनाक होती है, इसलिए अगर इनके आंखों को ही डैमेज कर दिया जाए तो इंसान इस बैसिलिस्क को देख पाएगा और फीनिक्स डायरेक्टली बैसिलिस्क की आंखों में देख सकते हैं, क्योंकि फीनिक्स अमर होते हैं। इसलिए तो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स मूवी में उस फीनिक्स ने बैसिलिस्क की आंखों को डैमेज करके हैरी की मदद की थी। जितनी खतरनाक बैसिलिस्क की आंखें होती है, उतनी ही खतरनाक इनका जहर भी होता है। बैसिलिस्क का जहर इतना पावरफुल होता है कि वो कुछ ही मिनटों में एक इंसान की जान ले सकता है। इसके जहर का सिर्फ एक ही तोड़ है और वो है फीनिक्स के आंसू। जब हैरी ने बैसिलिस्क को मारा था और उस बैसिलिस्क का दांत उसे लग गया था, तब फीनिक्स के आंसुओं के वजह से ही हैरी के घाव भरे थे और वो जिंदा बच गया था। बैसिलिस्क का जहर होक्रक्सेस को भी नष्ट कर सकता है और ये जहर इतना पावरफुल होता है कि बैसिलिस्क के मरने के बाद भी 5 से 10 सालों तक ये जहर उसके दांत में मौजूद रहता है। इसी से रॉन और हरमाइनी ने उस कप को डिस्ट्रॉय किया था। पर भले ही इसका दांत जहरीला हो, पर इसे छूने से इंसान नहीं मरता, बल्कि जब वो जहर किसी शरीर के अंदर जाता है तब वो उसकी जान ले सकता है। मूवी में हमने देखा कि ग्रिफिंडोर की तलवार भी होक्रक्सेस को नष्ट कर सकती थी और वो इसलिए क्योंकि हैरी ने बैसिलिस्क को मारने के लिए उस तलवार का इस्तेमाल किया था और ग्रिफिंडोर की तलवार हर उस चीज को सोख लेती है जो उसे ताकतवर बना सकती है, इसलिए वो तलवार अब होक्रक्सेस को नष्ट कर सकती थी। तो गाइस ये थी बैसिलिस्क की सारी डिटेल जो कि आपको पता होनी चाहिए।